दोस्तों रिसेंटली डिविज लैब के रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिविज लैब्स के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, क्यों इस शेयर में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है इसके रिजल्ट्स आने के बाद, और अभी आपको इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो डिटेल रिव्यू करेंगे हम, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, देखेंगे कैसी ग्रोथ इसकी रही है और आने वाले नियर टर्म में कैसी ग्रोथ की उम्मीद आपको इस शेयर से करनी है। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिविज लैब्स के बारे में। तो शुरू में मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं इस कंपनी के बारे में, जिन्होंने पिछली वीडियोस इस कंपनी पे मेरी नहीं देखी है। तो बेसिकली ये कंपनी जो है ये एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, एपीआईज जिसको बोला जाता है। तो एपीआईज का अगर आपको कुछ नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो आपकी मेडिसिन में पेन किलर, मान लीजिए अगर आपका पेन किलर आप लेते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट आपको पेन किल करने में हेल्प करता है वो एपीआई होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ये किसी भी मेडिसिन का, तो वो ये कंपनी यहाँ पर बनाती है। मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो 95 कंट्रीज में ये कंपनी है, 14,000 से ज्यादा इंप्लॉइज इस कंपनी के पास हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 47% ऑफ टोटल रेवेन्यू उसके 5 प्रोडक्ट्स में आता है, जिसमें से जो टॉप कंट्रीब्यूटर है वो नेप्रोक्सिन करके इनका एक ड्रग है, जिससे 18% की इसकी यहाँ पर टोटल सेल है और लीडिंग सप्लायर है कंपनी इस पर्टिकुलर ड्रग का। 85% की जो इसके रेवेन्यूज हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो इसीलिए यहाँ पर इस कंपनी के शेयर में इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि सप्लाई चेन बहुत ज्यादा हिल गई है एक्सपोर्ट होने में, तो इसलिए इस कंपनी को एक मेजर यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें तो 47% रेवेन्यू यूरोप से, 23% अमेरिका से और सिर्फ 15% इंडिया से। तो यूरोप और अमेरिका से अगर आप देखेंगे तो 70% रेवेन्यू इसका जनरेट होता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप इस कंपनी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, तो वो चीज को आपको यहाँ पर समझ कर चलना है। इसके अलावा कंपनी अभी रिसेंटली, अगर आप बात करेंगे रिसेंटली, कंपनी ने एक अपना जो प्लांट था वो इसका यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, जहां पर इसकी जो कैपेसिटी बढ़ाई है इसने वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर कंपनी को लेकर आ रही है वो काकीनाडा में जो इन्होंने 2020 में एक प्लांट शुरू किया था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। वहां पर स्टे लग गया था स्टेट गवर्नमेंट का, क्योंकि लोकल्स के साथ कोई दिक्कत हो गई थी और वो अभी तक क्लियरेंसेस कंपनी को नहीं मिल पाई है, जो कि एक बहुत बड़ा अभी तक भी सेटबैक इस कंपनी के लिए चल रहा है। तो चलिए रिसेंट रिजल्ट एक बारी देख लेते हैं। जून 2022 के जो उसके अभी फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, तो ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे सेल्स में कमी आई है, सेल्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी कमी आई है, 44% से गिर के 38% यहाँ पर इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो रह गए हैं। एज अ रिजल्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पर इसका अच्छा खासा गिरा है। तो ओवरऑल अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। डिटेल में दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर इसको मेजर दिक्कतें आई हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक तो इसके कम हो गए हैं, ये क्यों कम हो गए उस पर हम अभी हम बाद में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा अगर आप मेजर कॉस्ट में रिडक्शन देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, बल्कि कम हुआ है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल लगभग एक जैसा यहाँ पर दिखता है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे अदर एक्सपेंसेस, तो अदर एक्सपेंसेस में 10% से ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो एक मेजर रीजन इसके एक्सपेंसेस बढ़ने का यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है। कंपनी के कॉन कॉल के हिसाब से बात करें तो हम अभी उस चीजों पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज अगर आप कंपनी की कॉन कॉल यहाँ पर सुनेंगे तो सबसे पहली चीज जो इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं उसका सबसे बड़ा रीजन एक तो फ्रेट कॉस्ट में इंक्रीमेंट है। हालांकि कंपनी का मानना है कि जो पावर है उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया है, जो पावर की कॉस्ट है, फ्रेट की कॉस्ट है उसमें भी इंक्रीमेंट हो गया, और उसके साथ साथ रॉ मटेरियल की कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हुआ है। हालांकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट में यहां पर देखकर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो चीज थोड़ी यहां पर कंफ्यूजिंग है। लेकिन उसके अलावा यहां पर जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो सेल्स में कमी आई है उसका एक रीजन है सप्लाई चेन में जो दिक्कतें फेस करने को मिल रही है उसकी वजह से उनकी ओवरऑल सेल्स में यहां पर कमी आई है। तो ये 2-3 रीजन है जो कंपनी ने यहां पर इसको कर दिए। ओवरऑल अगर आप कंपनी को देखेंगे दोस्तों 10 सालों में 17% की ग्रोथ है, 10 सालों में 19% की ग्रोथ प्रॉफिट में भी है, और सीएजीआर ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 20% की 10 सालों में इस कंपनी ने बना कर दी है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये पास्ट की ग्रोथ है।
अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर समझ आता है, जो वो दो रीजन है। एक तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कमी आ गई है। पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे, जो सेल्स है वो भी फ्लैट आउट हो गई है, कम हो रही है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है। और दूसरा रीजन जो इनकी कॉन कॉल को समझकर देखकर सुनकर समझ आया है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जब हमने इसकी कंपनी पे बात की थी डिविज लैब पे, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ग्रोथ को लेकर नहीं नजर आ रही, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कन्विक्शन से वो ये नहीं बोल रहे किसी भी कॉन कॉल में कि हम इतना परसेंट ग्रोथ इस अगले क्वार्टर में करेंगे या अगले साल ग्रोथ करेंगे। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी को लेकर आ रही है कि कॉन कॉल में जो इनकी मैनेजमेंट है वो खुद ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ इसका शेयर जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी, हमारे रेवेन्यूज में ग्रोथ आएगी, इस टाइप की पॉजिटिव कमेंट्री नहीं देखने को मिल रही है। और वो उसका रिजल्ट आपको इसके रिजल्ट्स में भी मिल सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं उसके वो भी उसी हिसाब से ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म में यहां पर इस शेयर में डेफिनेटली रिजल्ट्स के एंगल से भी दिक्कत आएगी और इसके शेयर प्राइस में भी। ओवरऑल अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार इस शेयर में खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सितंबर 21 में 16.36 था, जो बढ़ के 17.73 हो गया, फिर 18.32% हो गया और अब 19.98% हो गया। तो ये जो एक शेयर में गिरावट आई है उसका फायदा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लगातार उठाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी इस शेयर को लगातार बेचते हुए दिख रहे हैं, 20.7 से 19.3 हो गया, फिर 18.45 और अब 16.52%। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वहां पर आपको एक जैसी ही यहां पर दिख रही है। अगर ओवरऑल यहां पर दोस्तों और इसकी चीजों पे बात करें हम फंडामेंटल्स पे, तो देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक दिखता है। जो इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो यहां पर 32 के आसपास है। ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री पीई से देखेंगे तो अभी भी बहुत ज्यादा दिखता है, अगर आप इंडस्ट्री पीई के 21.8 पीई को देखेंगे। दूसरी चीज, अगर आप इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशो को उसके प्राइस टू अर्निंग रेशो से ही कंपेयर करेंगे तो 10 साल के लेवल पे ही अपना प्राइस टू अर्निंग रेशो चल रहा है, 31.6 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशो रहा है और अभी 31.8 के आसपास चल रहा है। तो 10 सालों के मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशो पे ही आ चुका है। 5 सालों में देखेंगे 45 का था तो 5 सालों के हिसाब से सस्ता दिखता है, 3 सालों में देखेंगे तो 49 का था उसके हिसाब से भी सस्ता दिखता है, और 1 साल के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये सस्ता दिखता है। अगर आप 5 सालों तक देखते हैं तो एक सस्ता यहां पर ये नजर आता है। अब दोस्तों बात आती है कि मेरे हिसाब से अभी आपको यहां पर क्या करना चाहिए। तो देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही चीज बोली थी कि आपको अभी थोड़ा सा वेट इस कंपनी में करना चाहिए, स्टेबिलिटी यहां पर इसके जब तक प्रॉफिट्स में नहीं आएगी तब तक यहां पर यही चीज देखने को मिल रही है। क्योंकि जब मैनेजमेंट ही किसी कंपनी की बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अपने सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ को लेकर, तो वो चीज आपको नंबर्स में भी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है जो इसका सपोर्ट लेवल है अभी 3300, यहां पर अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की यहां पर बात करते हैं तो 3500 3300 के आसपास का इसका सपोर्ट लेवल यहां पर दिखता है। तो हो सकता है शेयर अपना ये जो 3500 का इसका सपोर्ट लेवल है उसको छूते हुए नजर आए। तो आप दोस्तों इन सब चीजों को ख्याल में रखिए इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। नियर टर्म में आपको इस शेयर में थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल सकती है जब तक इसके रिजल्ट्स में स्टेबिलिटी आपको नहीं आती है। और दोस्तों मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं कोई भी वीडियोस यहां पर बनाता हूं, तो उस चीज का भी आप ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।